संतोष कंप्यूटर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सी टेट के रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जानने का तरीका बताएंगे। अब एक मिनट में ही आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। इसके लिए आप अपने गूगल पे जाएं, गूगल में टाइप करें सी टेट। सी टेट टाइप करते ही आपको जो पहला लिंक मिलेगा उस पर क्लिक कर दें। जो भी पहला लिंक आएगा सी टेट क्लिक करने के बाद तो उसको क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको एक सी टेट की साइट खुल जाएगी। सी टेट को क्लिक करिए, आप अपना अप्लाई करिए सी टेट जनवरी 2024। क्लिक करिए, क्लिक करते ही ये आपको खुल गया। अब देखिए दोस्तों, नीचे एक आ रहा है आपका पासवर्ड फॉरगेट और पासवर्ड एप्लीकेशन नंबर फॉरगेट। तो आप पहले एप्लीकेशन नंबर जानने का तरीका बताते हैं। फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर करिए, अपना नाम टाइप करिए जो भी नाम है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें नाम जो आपने टाइप किया था फॉर्म भरते समय वही सेम नाम होना चाहिए और वो नाम गलत नहीं होना चाहिए। अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आपका एप्लीकेशन नंबर फॉरगेट नहीं होगा। तो आप ये ध्यान दीजिएगा। हम जो अपने फॉर्म में भरा था हमने वो डिटेल हमने उसमें इंटर कर ली है। इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद अब अपने कैप्चर कोड को सिक्योरिटी पिन को अपने इंटर करिए। अब सारा एप्लीकेशन नंबर फिल करने के बाद आप गेट एप्लीकेशन नंबर क्लिक करें। जैसे ही आप गेट एप्लीकेशन नंबर क्लिक करेंगे ऐसे ही आपका एक सामने आ जाएगा योर एप्लीकेशन नंबर इतना इतना इतना। आप उसको लिख लें, नोट कर लें या कॉपी कर लें। अब उसको कॉपी कर लें। उसके बाद ये तो रहा आपका एप्लीकेशन नंबर जानने का तरीका। एप्लीकेशन हमने जान लिया ऐसे। अब जाते हैं फिर से होम पेज में बैक करके। यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ एप्लीकेशन नंबर, अगर बाय द वे अगर ऊपर से गायब हो जाता है तो भी यहाँ नीचे लिखा रहेगा एप्लीकेशन नंबर। अब दोबारा होम पे आइए, होम क्लिक करिए। होम क्लिक करते ही नीचे दिया हुआ है पासवर्ड फॉरगेट। अब फॉरगेट पासवर्ड पे जाइए। पासवर्ड फॉरगेट पे जाते ही आपको तीन ऑप्शन इसमें दिखेगा। एक लिखा हुआ है यूजिंग सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड इट्स आंसर फॉर चूज ड्यूरिंग फ्रॉम फिलिंग, यानी आप आपने जो सिक्योरिटी फॉर्म भरते समय सिक्योरिटी पिन डाला था उससे भी आप कर सकते हैं, या फिर आप अपने मोबाइल नंबर पर भी ओटीपी मंगा सकते हैं, या तीसरा अपने मेल आईडी पे भी मंगा सकते हैं। तो हमको तो हम अपना मोबाइल नंबर सही डालें तो हम अपने मोबाइल नंबर पे डालेंगे। कुछ लोगों के पास मोबाइल नंबर ना होने पे आप अपना मेल आईडी पे भी आप लिंक डाल सकते हैं। हमने अपने मोबाइल नंबर मंगवाना ठीक समझा है इसलिए हमने इंटर कर दिया। आप अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ डाल लें एप्लीकेशन नंबर में और अपना डेट ऑफ बर्थ इसमें इंटर कर लें। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद नीचे दिया गया है इंटर सिक्योरिटी पिन। तो आप डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद अपना सिक्योरिटी पिन या लिखा हुआ नीचे वो इंटर कर लें। इंटर करने के बाद आप नीचे दिया गया है सबमिट बटन, आप सबमिट बटन को क्लिक कर लें। सबमिट बटन को क्लिक करते ही देखिए आप ये मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। मोबाइल नंबर स्टार 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 है, आधा लास्ट का 1 1 लिखा है। इस पर आपका आप देख लीजिए नंबर आपका ये सही है कि नहीं। उसके बाद क्लिक करके सबमिट करते ही आपके मोबाइल नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। वेरिफिकेशन कोड में आपका अक्षर और ABCD और अंक दोनों होगा। तो आप देख लीजिएगा OTP जैसे जाएगा कैप्स लॉक में सारे पार्ट आपको डालने हैं, वर्ड कैप्स लॉक में डालने हैं कैपिटल लेटर में। ये आप हमने इंटर कर लिया है और अपने सिक्योरिटी पिन को भी नीचे डाल लीजिए। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करते ही यहाँ आपका लिख दिया कि न्यू पासवर्ड क्रिएट करने के लिए। तो अब उसके लिए हम अब सिंपल तरीका है कि आप अपना पासवर्ड अगर बनाना चाहते हैं नहीं बन रहा है तो आप इसमें डालिए ABCD@123। अब
ई कैपिटल लेटर कर लीजिए, बी सी डी स्मॉल कर लीजिए, एट द रेट 123 कर लीजिए, दोनों में वही डाल लीजिए आप। दोनों में वही डालने के बाद आप इसको इंटर करेंगे तो आपका ये पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। कई लोगों का ये दिक्कत है कि वो लोग जैसे मैसेज ना आना, मोबाइल पे मैसेज ना आना, मेल आईडी पे मैसेज ना आना, उसकी वजह से भी ये दिक्कतें आती हैं कि आपका पासवर्ड नहीं मिलता है या एप्लीकेशन नंबर आप खुद से मिस हो जाता है, या फिर मेल डिलीट हो जाने से भी आपका मिस हो जाता है। तो आप इस तरीके से आप दोबारा अपना पासवर्ड या एप्लीकेशन नंबर दोनों को फॉरगेट कर सकते हैं। उसकी पासवर्ड देखिए यहाँ लिख दिया है, पासवर्ड अपडेटेड सिक्योरिटी सक्सेसफुली, तो आप इसको ओके कर लें। ओके करने के बाद आप सीधे लॉगिन पे जाएं और जो आपने पासवर्ड डाला था वो आप फिर से दोबारा एप्लीकेशन नंबर डाल के पासवर्ड डालें, देखें खुल रहा है कि नहीं। तो आपने ये हमने डाल लिया है और पासवर्ड भी आप अपना इंटर कर लें। पासवर्ड डालने के बाद सिक्योरिटी पिन जो शो कर रहा है वो डालें, उसको साइन अप कर लें। साइन अप करते ही आपका जो फॉर्म, जहाँ तक फॉर्म आपका हुआ था वहाँ तक खुल जाएगा। अभी ये खुल गया है, अब आप अपना जो भी इसमें जो भी एडिट करना हो एडिट कर लीजिए, या फिर अपना फीस जमा करना है बचा हुआ है वो अपना फीस जमा करके फॉर्म फाइनल कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा है दोस्तों, ये हमको शेयर कमेंट लाइक ज़रूर करें, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।